प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी कुनबे में जारी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच सुलह कराने की कोशिशें लगभग नाकाम साबित हो रही है। आज भी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पिता पुत्र के बीच समझौता कराने की कोशिश की। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सुलह का फॉर्मूला नहीं निकल पाया। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान अखिलेश पक्ष ने मुलायम गुट के सामने कई पेशकश की है, जिसके तहत कहा गया कि मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, अमर सिंह को पार्टी से बाहर किया जाए, शिवपाल को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए और शिवपाल यूपी की सियासत में दखल ना दें। इसके अलावा अखिलेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और राम गोपाल यादव को टिकट बांटने का अधिकार मिले। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान कई मौकों पर ऐसा भी लगा कि पिता पुत्र की जोड़ी भले ही मान जाए, लेकिन जिन शक्तियों से पिता पुत्र अलग अलग घिरे हैं, कहीं ना कहीं वो सुलह में रोड़ा बनकर सामने आ जाती है और यही वजह है कि सपा का संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी में गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा, तो वहीं दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे किसी नतीजे पर पहुंचे वरना पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल जब्त हो सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।